अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल आज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ दोस्तों, माइक्रोमैक्स A069 का फ्लैशिंग कैसे करते हैं। इस वीडियो में आज हम सीखेंगे दोस्तों। मेरे पास A69 मॉडल आया है, लेकिन उसका लोगो प्रॉब्लम है। सबसे पहले आपको गूगल पर टाइप करना है माइक्रोमैक्स A69 फ्लैश फाइल, वर्जन जो आपको मोबाइल का रहेगा वो डाउन, उस पर क्लिक करना है दोस्तों। उसके बाद आपकी नेक्स्ट विंडो ओपन हो जाएंगी कुछ इस तरह से दोस्तों। उसके बाद आपका जो वर्जन है उस वर्जन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ये फाइल को डाउनलोड करना है। मैंने पहले से ये फाइल को डाउनलोड कर दिया है दोस्तों, तो मैं उस फोल्डर में जाके उस फाइल को ओपन करता हूँ और इसका फ्लैशिंग करता हूँ दोस्तों। यहाँ पे मैंने सेव करके रखा है फोल्डर को। फर्स्ट आपको फाइल को ओपन करने के बाद उस फाइल को आपको स्क्रैच हेयर 2 पर क्लिक करना है और उसको स्क्रैच करना है। स्क्रैच करने के बाद आपको उस फोल्डर को ड्राइवर्स को इंस्टॉल करना है। ड्राइवर्स को इंस्टॉल नहीं किए तो आपका मोबाइल पीसी पे कनेक्ट नहीं हो जाएगा। उसके बाद आपको एसपी फ्लैश टूल्स को ओपन करना है। एसपी फ्लैश टूल्स को ओपन करने के बाद आपको वहाँ पे एक फाइल को सिलेक्ट करना है, दो नंबर वाली फाइल स्क्रैचर को आपको सिलेक्ट करना है। जहाँ पे आपने वो फाइल रखी है उस फाइल को फोल्डर को ओपन करके उस मॉडल की वो फाइल को सिलेक्ट करना है। फर्मवेयर में जाके फाइल को ओपन करना है और यहाँ पे आप कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं दोस्तों। मैं फर्स्ट वाला ऑप्शन ले लेता हूँ, डाउनलोड फॉर्मेट ऑल प्लस डाउनलोड, और डाउनलोड पर क्लिक करके आपको मोबाइल की पावर की अप वॉल्यूम की अप दबा के आपको मोबाइल को पीसी पे कनेक्ट करना है। आपका मोबाइल पीसी पे कनेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ये देखो दोस्तों, मेरा मोबाइल कनेक्ट हो चुका है और फ्लैशिंग हो रहा है दोस्तों। वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैंने बीच में थोड़ा पॉज कर दिया है दोस्तों। फ्लैशिंग कंप्लीट होने में ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 मिनट लगते हैं दोस्तों माइक्रोमैक्स A069 मॉडल के लिए। तो आप कुछ देर इंतज़ार कर दिए दोस्तों, आप देख सकते हैं फ्लैशिंग हो रहा है दोस्तों। फ्लैशिंग हो रहा है दोस्तों, कुछ देर आपको वेट करना है और आपका मोबाइल फ्लैश हो जाएगा दोस्तों। 100% होने के बाद आपका मोबाइल फ्लैश हो जाएगा। ये देखो दोस्तों, 97, 98 और 99, 100, और यहाँ पे डन का ऑप्शन आ चुका है। तो आपको सिंपली इस विंडो को कट करना है या फिर आप मोबाइल को रिमूव कर सकते हैं और सिंपली आपको मोबाइल को ऑन करना है। ऑन करने के बाद आपका मोबाइल फ्लैश हो जाएगा और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक और शेयर करना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और सब्सक्राइब ज़रूर करना।